Good morning, dear students. Welcome to your maths class. Students, in last class, we have started with the new chapter from your maths textbook, the chapter number 2, addition. And we have started with the exercise 2.1 and we have completed till the question number 15 from the same exercise. And in today's class, we are going to solve the remaining problems from the exercise 2.1. So we will be solving question number 16, 17, 18 and 19 in today's class. So out of question number 16, 17 and 18, I am going to solve the question number 16 and remaining two questions 17 and 18 you have to solve on your own in your homework. So aapko 17 or 18 homework mein solve karna hai. Okay. So basically जो पहले वाले questions थे from question number 1 to question number 15, in those questions we have added the two नंबर्स, है ना. उसमें क्या किया हमने, दो नंबर्स की एडिशन की, दो फोर डिजिट नंबर या दो तीन डिजिट नंबर की हमने एडिशन की. जो दो नंबर हैं उनके थ्री डिजिट नंबर्स हैं या फोर डिजिट नंबर है, तो ऐसे हमने दो नंबर्स ऐड किए. बट जो आगे के क्वेश्चन हैं आज जो हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, इनमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड थ्री नंबर्स. हाउ मेनी नंबर्स वी आर गोइंग टू ऐड, वी आर गोइंग टू ऐड थ्री नंबर्स. Look over here in question number 16, there is a number 4274. How many digits are there? It's a four digit number. So ये four digit number है, इसको add करना है plus 25. तो इस number को हमने add किया है two digit number 25 के साथ. तो ये एक number हो गया 4274. दूसरा number क्या है, दूसरा number है 25. और हम थर्ड नंबर भी ऐड कर रहे हैं. थर्ड नंबर क्या है, 2600. तो ऐसे हमने कितने नंबर्स ऐड करने हैं, ऐसे हमने तीन नंबर्स को एक साथ ऐड करना है. और जो पहले वाले क्वेश्चंस जो हमने कल सॉल्व किए थे, इन दोज क्वेश्चंस वी हैव एडेड द टू नंबर्स टुगेदर. सी ओवर हियर इन क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी नंबर्स वी आर एडिंग टुगेदर, इट्स 6853 विच वी आर गोइंग टू एड विद द 2045 एंड बोथ आर फोर डिजिट नंबर. तो हमने फोर डिजिट नंबर, दो अलग अलग फोर डिजिट नंबर की यहाँ पे एडिशन की थी. बट अभी जो आगे के क्वेश्चन हैं 16, 17, 18, इनमें हमने क्या करना है, तीन अलग अलग नंबर्स को एक साथ ऐड करना है. एडिशन का रूल बहुत सिंपल है, है ना. कल हमने डिस्कस किया था हाउ वी ऐड दीज नंबर्स. सो ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट एडिशन फ्रॉम द वंस प्लेस नंबर. हमेशा हमने एडिशन कहाँ से शुरू करनी है, जो लोवेस्ट प्लेस है नंबर की. लोवेस्ट प्लेस कौन सी होती है हर नंबर की, वंस प्लेस. सो वंस प्लेस से हमने एडिशन शुरू करनी है, मतलब हमने राइट से लेफ्ट जाना है. ऐड कर कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है एडिशन करते समय, राइट से लेफ्ट जाना है. मतलब पहले वंस प्लेस के डिजिट्स की एडिशन करेंगे, फिर टेंस प्लेस में जो जो डिजिट्स है उनकी एडिशन करेंगे, फिर हंड्रेड प्लेस के डिजिट्स की एडिशन करेंगे और लास्ट में थाउजेंड प्लेस के डिजिट्स की एडिशन करेंगे, ठीक है. तो हमेशा हमने एक्सट्रीम राइट से लेके एक्सट्रीम लेफ्ट तक एडिशन करते जाना है, ठीक है. सो स्टार्ट डूइंग. हियर वी हैव टू ऐड थ्री नंबर्स टुगेदर. सो हम पहले वंस प्लेस के नंबर्स की एडिशन करेंगे. वंस प्लेस में क्या है, फोर प्लस फाइव प्लस ज़ीरो. सो जो वंस प्लेस की एडिशन आएगी, जो आंसर आएगा, दैट वी हैव टू राइट अंडर द वंस प्लेस कॉलम ओनली. वंस प्लेस का जो कॉलम है उसके नीचे ही लिखना है. फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन, नाइन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू नाइन. तो नाइन जो आंसर है उसको हम लिखेंगे वंस प्लेस के नीचे. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस. नेक्स्ट प्लेस क्या है, टेंथ प्लेस. टेंथ प्लेस में फिर से टेंथ प्लेस के डिजिट्स ऐड करो. सेवन प्लस टू इज़ नाइन, नाइन प्लस ज़ीरो इज़ नाइन ओनली. तो ये जो नाइन आंसर आया वो टेंथ प्लेस के कॉलम में आएगा. नेक्स्ट हंड्रेड प्लेस. हंड्रेड प्लेस में कौन से डिजिट्स है, वो सारे डिजिट्स को आपने ऐड करना. तो टू है यहाँ पर, हाँ. और 25 के 100 प्लेस में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, मतलब यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है. सो 2 प्लस ज़ीरो इज़ 2 एंड 2 प्लस 6 इज़ 8. तो यहाँ पे आएगा 8. आंसर में लिखो 8. अब 1000 प्लेस के डिजिट्स के एडिशन करो. 1000 प्लेस में है 4 और 2 और यहाँ जो 25 है उसके 1000 प्लेस में आएगा 0, मतलब 4 प्लस 0 क्या है, 4 एंड प्लस 2. फोर प्लस टू इज़
6. सो फाइनल 1000 प्लेस के कॉलम के नीचे हम क्या लिखेंगे फाइनली 6. सो क्या आएगा एडिशन का रिजल्ट 6899. सो इन द सिमिलर वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 19 इन द कॉपी. ओके नोटबुक में सॉल्व करना है इसको. सो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 19 राइट इन कॉलम्स एंड ऐड राइट द सम इन वर्ड्स. सो यहाँ पे उन्होंने हमें 3 नंबर्स दिए हैं. वी हैव टू राइट दोज नंबर्स इन द कॉलम्स. वी हैव टू राइट दोज नंबर इन कॉलम्स मीन्स हमें वो कॉलम जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट होता है ना 1000 प्लेस 100 प्लेस 1 प्लेस 10 प्लेस एंड 1 प्लेस. सो उस हिसाब से हमें ये जो नंबर है वैसे रिप्रेजेंट करने वंस प्लेस की डिजिट 1 प्लेस में लिखनी है 10 प्लेस की डिजिट 10 प्लेस में लिखेंगे 100 प्लेस की 100 प्लेस में और 1000 प्लेस की 1000 प्लेस में और फिर उनकी एडिशन करनी है और एडिशन का जो रिजल्ट आता है द रिजल्ट ऑफ द एडिशन इज नोन एज सम. जो एडिशन का रिजल्ट आता है एडिशन के बाद जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं उसको हम सम बोलते हैं. सो जो सम आएगा उसको हमने किस में लिखना है उसको हमने सिर्फ नंबर्स में नहीं लिखना है उसको हमने वर्ड्स में भी लिखना है. ठीक है तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑल दीज 3 नंबर्स इन द कॉलम. So these are the 4 digit numbers. That means highest place will be 1000 place, 100th place, 10th place and 1st place. Now start writing these numbers as per their place value. So 2612 plus 3000. 3 kaha pe jayega 3104 mein 3 aayega 1000 place mein. 1 kya jayega 100 place mein. 0 kya aayega 10th place mein aur 4 kaha likhenge 1's place में. सिमिलरली प्लस 2061 तो 2061 के 1000 प्लेस में क्या डिजिट है 2 तो 2 को लिखो 1000 प्लेस के कॉलम में. 0 को कहाँ लिखोगे 100 प्लेस के कॉलम में तो 0 लिखो 100 प्लेस के नीचे. वेयर विल बी राइट 6 वी विल राइट 6 अंडर द 10's प्लेस कॉलम एंड 1 विल बी रिटन अंडर द 1's प्लेस कॉलम. ठीक है नाउ परफॉर्म द एडिशन. सो बेसिक रूल क्या है एडिशन का ऑलवेज स्टार्ट एडिंग फ्रॉम द वंस प्लेस. हमने जो एडिशन है वो कहाँ से शुरू करनी है वो हमने वंस प्लेस से शुरू करनी है और वंस प्लेस से मूव करते करते 1000 प्लेस में जाना है तो राइट से होके लेफ्ट तक हमने एडिशन करने. सो वंस प्लेस में क्या क्या डिजिट्स है उनको ऐड करो 2 + 4 + 1 2 + 4 = 6 6 + 1 = 7 तो जो आंसर आएगा वो वंस प्लेस के नीचे ही लिखना है वंस प्लेस के कॉलम में ही लिखना है. टेंथ प्लेस के डिजिट्स ऐड करो अभी वंस प्लेस के बाद कौन सी प्लेस आती है टेंथ तो टेंथ प्लेस की लिखो. ऐसे सीक्वेंस में ही जाना है वंस फिर टेंथ फिर 100 फिर 1000. स्किप नहीं करना कि वंस के बाद 100 ऐड किया 100 के बाद टेंथ किया और टेंथ किया और फिर 1000 किया. नो यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस ओवर हियर व्हाइल एडिंग दोज डिजिट्स वंस देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस दैट इज टेंथ प्लेस. सो 1 + 0 = 1 एंड 1 + 6 = 7 नेक्स्ट प्लेस आफ्टर 10 इज 100 प्लेस. सो वी विल ऐड 100 प्लेस डिजिट्स नाउ 6 + 1 = 7 7 + 0 = 7 सो आंसर विल बी रिटन अंडर द 100 प्लेस कॉलम ओनली. नाउ लास्ट प्लेस लेफ्ट ओवर हियर इज 1000 प्लेस. सो ऐड 1000 प्लेस डिजिट्स 2 + 3 = 5 5 + 2 = 7 सो आंसर इज 7777. सो ये आंसर है तो सम को हमने किस में लिखना है आंसर मीन्स द सम ऑफ सॉरी सम मीन्स द रिजल्ट ऑफ एडिशन. सम किसे बोलते हैं जो एडिशन के बाद आंसर आता है जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं सम. तो सम इन वर्ड्स लिखो ये नंबर को वर्ड्स में 7777 7777 ओके दिस विल बी द आंसर इन वर्ड्स. ओके नाउ आई हैव सॉल्व द सब पार्ट ए
नाउ आई वॉन्ट यू टू सॉल्व सब पार्ट बी एंड सी ऑन योर ओन. मैंने ए सॉल्व किया है और मैं डी सॉल्व करूँगी और बाकी बच्चे दो क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 19 के बी और सी वो आपने अपने मन से होमवर्क में सॉल्व करने. ठीक है. सो पहले ये जो नंबर्स दिए, ये जो तीन नंबर्स दिए, उनको हमने क्या लिखना है, कॉलम्स में लिखना है. कॉलम्स में लिखना है मतलब जो प्लेस वैल्यू चार्ट होती है उसमें लिखना है. तो दीज ऑल आर फोर डिजिट नंबर्स, सॉरी ये फोर डिजिट है, दिस इज़ अ फोर डिजिट नंबर एंड दिस इज़ अ थ्री डिजिट नंबर. तो फोर डिजिट नंबर है, दैट मीन्स देयर विल बी दी थाउजेंड प्लेस, हंड्रेड प्लेस, टेंथ प्लेस एंड वंस प्लेस. सो जो ये पहला नंबर है 7114, उसको रिप्रेजेंट करो प्लेस वैल्यू चार्ट में. 7000 मतलब 7 आएगा 1000 प्लेस में, 100 मतलब 1 आएगा 100 प्लेस में, 14 मतलब 1 आएगा 10th प्लेस में, 4 आएगा 1s प्लेस में, प्लस 2021. 2000 है, 2021 मतलब 2 कहा जाएगा 1000 प्लेस में, 0 वी विल राइट अंडर द 100s प्लेस कॉलम, 2 वी हैव टू राइट अंडर द 10th प्लेस कॉलम एंड ये 1 जो है वो आएगा वंस प्लेस कॉलम में, प्लस 463. अब यहाँ पे क्या नंबर है, 463. तो 463 में 1000 प्लेस होती है क्या? नो, इट्स अ थ्री डिजिट नंबर, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू हैव थ्री प्लेसेस. और थ्री प्लेसेस है मतलब हाईएस्ट प्लेस कौन सी होगी, हाईएस्ट प्लेस आएगी हंड्रेड्स प्लेस. थाउजेंड प्लेस में फिर कुछ नहीं लिखना है, इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या यहाँ पे हम जीरो भी लिख सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस. सो 463, 4 कहा जाएगा 100 प्लेस में, 63, 6 कहा जाएगा 10th प्लेस के नीचे, और 3 कहा जाएगा 1s प्लेस के नीचे. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लेस दैट डिजिट इन द अप्रोप्रिएट कॉलम. हमने अगर गलती से ये 4000 प्लेस में लिख दिया तो हमारा पूरा आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा. तो हमने जो नंबर दिया है उसके हर एक डिजिट को उसी के करेक्ट कॉलम के नीचे लिखना है. 100 प्लेस की डिजिट हमेशा 100 प्लेस के नीचे ही लिखनी है, 1s प्लेस की डिजिट 1s प्लेस के नीचे आएगी. ठीक है. तो प्लेस के हिसाब से ही नंबर को कॉलम्स में लिखना है. नाउ परफॉर्म द एडिशन. 4+1, हम 1s प्लेस से शुरू करेंगे एडिशन करना. 4+1 इज 5, 5+3 इज 8. तो 8 जो आंसर है दैट वी विल राइट अंडर द 1s प्लेस कॉलम. नाउ 10s प्लेस की एडिशन शुरू करो. 1+2 इज 3, 3+6 इज 9, 1+0 इज 1, 1+4 इज 5. 5 कहाँ आएगा आंसर, 100 प्लेस के नीचे. 7+2 इज 7+2 इज 9, 9+0 इज 9 ओनली. तो आंसर क्या आया, 9598. नाउ वी हैव टू राइट दिस आंसर इन दी वर्ड्स. ये जो आंसर है उसको हम बोलते हैं सम. सो वी हैव टू राइट दिस सम इन दी वर्ड्स. सम इन वर्ड्स 9598. सो 9598. Okay, so in this way we have written the sum in the words as well, and in this way we have finished with the exercise 2.1, and in next class we will start solving the questions from the next exercise, that is exercise 2.2, and till then thank you, have a nice day.